हेलो, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक। आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई, हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाए गए और कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। एक चरखे ने आजादी नहीं दिलाई हमें, याद रखना। आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वो भी 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने एल्फर्ड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तिष्क में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स कोर्ट ने लाठी बरसा बरसा कर तोड़ दिया था। आंखें नम हो रही हैं ना, आंखें नम मत करो। आज खुशी का दिन है, हम जश्न मनाएंगे अपने गणतंत्र दिवस का। हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से कुछ अलग है। सिर्फ अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया कहाँ रहती है, आसमान के तले, और हम हिंदुस्तानी भारत माँ के आंचल तले। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल के तले रहते हैं माँ। दुनिया में हम ही तो अकेले हैं जो माटी को भी माँ कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं, हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही कहते हैं। और जितनी बार आंखों से तिरंगा गुजरे, आदर में सर झुकाते हैं। एक अजीब सा सपना हर रोज हमारी आंखों को सताए, जान तो एक दिन जानी ही है, अगर भारत माँ के लिए जाए तो मजा आ जाए। जिस्मों पे वर्दी ना सही, कांधे पर सितारे ना सही, झंडे झुकेंगे ना जिस्म पे हमारे, जान जैसा निसारी की जब बात होगी, आगे मिलेंगे इस कतारों में हम। हम तो क्या जमी पे रहे या ना रहे, हम मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो देश के लिए अपनी जान दे देता है। ना हम उसके अपने हैं, ना दोस्त हैं, ना यार, ना रिश्तेदार। क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पर गोलियां झेल जाता है। इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में, जब एक फौजी वर्दी पहन के लेता है सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित। अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, सबको नमन, लेकिन हमारे नजर में देश पर निर्भर बिकने वाला सबसे आगे होते हैं। हम शपथ लेते कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन हमारे देश, हमारे द्वितीय में हमेशा हिंदुस्तान ही रहेगा। शेक्सपियर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, लव योर नेबर्स, अपने पड़ोसी से प्यार करो। चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी हमें प्यार करने देने ही नहीं रहते। क्यों ऐसा करते हो भाई, चले आते हो बिन बुलाए, मुंह उठाए। हमने 47 में हराया, 65 में पीटा, 71 में हराया, और 99 में जब तुम्हारी हिम्मत और बढ़ गई तो हमने ऐसा खदेड़ा कि भागने के लिए जमीन भी कम पड़ गई। फिर भी हमसे टकराते हो, अपनी हैसियत नहीं समझ पाते हो। फर्क तो देखो, हमारी तो बर्फ भी खोलती है, तुम्हारा तो खून भी ठंडा है।
तुम्हारे झंडे पर चांद होगा, पर हमारा तो झंडा ही चांद पर है। अच्छे पड़ोसी बनकर रहो, वरना हमारा असूल एकदम साफ है। पड़ोसी तुम्हारी मर्यादा पर आंखें उठाए तो तुम उसकी आंखें निकाल लो। पड़ोसी तुम्हें बुजदिली का कांटा चुभाए तो उसकी छाती में संगीने गाड़ दो। पड़ोसी तिरंगे की ओर हाथ बढ़ाए तो तुम मुठियां भीज लो। और पड़ोसी अगर तुमसे कश्मीर मांगे तो उसकी जुबान खींच लो। ये शेक्सपियर कहते कहते रह गया, लेकिन आज हम कह गए। एक थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन हमने इंडिया को आजाद कर दिया वापिस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बात हमें बहुत बुरी तो लगी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त पर छोड़ दिया था। और वक्त ने भी हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान में हमने अपने झंडे काट दिए। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे चंडीगढ़ का गबरू जवान कपिल देव जब वर्ल्ड कप छीन के ले आया। अब एक भारतीय ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक कर ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं। लेकिन किसी ने हमारी पीठ पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज मिसाइल ब्रह्मास्त्र बना दी। हम वेदों की भाषा जानते हैं, हम वेदों की भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स पर भी हमें बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डाटा चेक कर लेना। हमारी सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग अमेरिका से बहुत ज्यादा है, हमारा पावर बहुत ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पर तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भी भारत है। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है। टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट कर लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी और 20वीं सदी अमेरिका की और 21वीं सदी हमारे भारत की होगी। जय भारत। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। वंदे मातरम। थैंक यू।